नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबरों पर। सबसे बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मीटू कैंपेन की। जी हां, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर मीटू कैंपेन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेता और अभिनेता इसके शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। तो अब मीटू कैंपेन में यौन शोषण के आरोपों में फंसे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दरअसल देश में जब से मीटू कैंपेन की शुरुआत हुई है, तभी से कई तरह के मामलों के खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान करीब 11 महिलाएं पत्रकारों ने एमजे अकबर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। वहीं अकबर की सफाई के बाद पत्रकारों का कहना है कि वह अपने आरोपों पर कायम है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कुछ महिला पत्रकारों ने अपने आरोपों को दोहराया है। इन आरोपों के बाद एमजे अकबर को विपक्ष ने घेरना शुरू किया और उसके बाद इस्तीफा भी मांगा। सफाई के बाद भी कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर लिखा, क्या इस पर सफाई देना ही काफी है? 3 तलाक के लिए जेल और इन आरोपों के लिए कुछ भी नहीं। बेटी बचाओ से ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार बचाओ। ये मन की नहीं बल्कि तन की बात है। सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि सहयोगी नेताओं ने भी अकबर पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार में ही मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि जिस प्रकार के आरोप लगे हैं वह गंभीर हैं, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी न्यूज़।